बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ़ ग्रेड टेन टुडे आर टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मिसलिनियस एक्सरसाइज एट सॉल्व करेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी मयरमेंट एंगल ए सिक्सटी डिग्री गिवन है प्रूफ दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस मईरमेंट ए बी इन टू मैरमेंट ए सी अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे जिसमें एंगल ए की मैयरमेंट गिवन है सिक्सटी डिग्री सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि सी डी ट्राइंगल में शो हो रहा है अब इस पर थ्यूरम टू अप्लाई करेंगे थ्यूरम टू में स्टेटमेंट होती है मेजरमेंट बी सी स्क्वायर जो कि एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड है इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी स्क्वायर प्लस मैयरमेंट ए सी स्क्वायर ये दोनों साइड्स में अक्यूट एंगल इंक्लूडेड है माइनस टू टाइम्स मैयरमेंट ए बी इनटू टू ए डी अब यहां पे स्टूडेंट्स गौर करें कि जो हमने प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट साइड पे बी सी है राइट right साइड में फर्स्ट टू टर्म्स ए बी स्क्र ए सी स्क्वायर सेम है माइनस ए बी इंटू ए सी है यहां पे टू टाइम्स ए बी इंटू ए डी है तो ए डी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं और ए डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल ए सी डी यूज करेंगे तो इन ट्रायंगल ए सी डी मैयरमेंट ऑफ एंगल ए 60 डिग्री है और चूंकि हमने ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस थीटा अप्लाई करेंगे जो कि बेस ओवर हाई के इक्वल होता है तो बेस यहां पे मैरमेंट ऑफ ए डी है और हाई की वैल्यू मैयरमेंट ऑफ ए सी है तो कॉस सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाईपोटिनस कॉस सिक्सटी डिग्री इक्वल होता है वन बाय टू के बेस की वैल्यू मैयरमेंट ए डी है ओवर हाइपोटिनस मेजरमेंट ए सी है अब चूंकि हम मेजरमेंट ऑफ ए डी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू टू टाइम्स मेजरमेंट ए डी आ जाएगा अब हमने वैल्यू मेजरमेंट ऑफ ए डी की फाइंड करनी है तो टू लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो मेजरमेंट ऑफ ए डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन वन में पुट कर देंगे पुट मयरमेंट ऑफ ए डी इन इक्वेशन वन अब इक्वेशन वन में लेफ्ट साइड पे मैयरमेंट बी सी होल स्क्वेयर है इज इक्वल टू मैरमेंट ए बी स्क्वेर प्लस मैयरमेंट ए सी स्क्वेर माइनस टू टाइम्स मैयरमेंट ए बी इंटू मैयरमेंट ए डी की जगह मैयरमेंट ऑफ ए सी ओवर टू आ जाएगा अब ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा तो मैयरमेंट ऑफ बी सी स्क्वेर इज इक्वल टू मईरमेंट ऑफ़ ए बी स्क्वेर प्लस मैयरमेंट ऑफ ए सी स्क्वा माइनस मयरमेंट ऑफ ए बी इंटू मईरमेंट ऑफ ए सी तो यही स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करना था अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी कैलकुलेट मयरमेंट ऑफ बी सी वेन मयरमेंट ऑफ ए बी फाइव सेंटीमीटर मयरमेंट ऑफ ए सी फोर सेंटीमीटर मयरमेंट ऑफ एंगल ए सिक्सटी डिग्री अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करेंगे और एंगल ए की मैयरमेंट गिवन है सिक्सटी डिग्री मैयरमेंट ए सी गिवन है फोर सेंटीमीटर और मयरमेंट ऑफ ए बी गिवन है फाइव सेंटीमीटर हमने मयरमेंट ऑफ बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है अब यहां पे भी स्टूडेंट्स थ्योरम टू अप्लाई करेंगे एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड मेयरमेंट बी सी है जो हमने फाइंड करनी है तो मईरमेंट ऑफ बी सी स्क्वेर इज इक्वल टू मईरमेंट ऑफ ए सी स्क्वेर प्लस मयरमेंट ऑफ ए बी स्क्वेर माइनस टू टाइम्स मयरमेंट ऑफ ए बी into measurement ऑफ AD. अब यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास मयरमेंट ऑफ ए सी की वैल्यू गिवन है फोर सेंटीमीटर मयरमेंट ऑफ ए बी की वैल्यू भी गिवन है फाइव सेंटीमीटर लेकिन मयरमेंट ऑफ ए डी ये वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है इसके लिए हम ट्राइंगल ए सी डी को यूज करेंगे और इस पे कॉस सिक्सटी डिग्री अप्लाई करेंगे कॉस सिक्सटी डिग्री इक्वल होगा मईरमेंट ऑफ ए डी जो के बेस है डिवाइडेड बाय फोर सेंटीमीटर जो के हाई पॉटिनेस है तो कॉस सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस कॉस 60 सिक्सटी इक्वल होता है वन बाय टू के बेस मेजरमेंट ऑफ ए डी है और हाइपोटेनस की वैल्यू फोर सेंटीमीटर गिवन है अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टू टाइम्स मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू फोर इंटू वन फोर सेंटीमीटर आ जाएगा अब टू राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो मेजरमेंट ऑफ ए डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फोर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टू टू और फोर की कटिंग हो जाएगी तो मेजरमेंट ऑफ ए डी टू सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा अब ये वैल्यूज हम थ्योरम टू की स्टेटमेंट में पुट कर देंगे Put measurement of A D is equal to two centimeter in theorems two statement Measurement of B C square left side pay is equal to measurement. ए सी AC ए सी की मेजरमेंट फोर सेंटीमीटर है तो फोर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस मेजरमेंट ऑफ ए बी कि फाइव सेंटीमीटर है माइनस टू टाइम्स मेजरमेंट ए बी ए बी की मेजरमेंट फाइव सेंटीमीटर है इनटू मेजरमेंट ए डी जिसकी वैल्यू हमने भी फाइंड की टू सेंटीमीटर अब फोर का स्क्वायर लें तो सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस टू फाइव जार टेन टेन टू जार ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर इसको सिंपलीफाई कर लें ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी माइनस करें तो फाइव आएगा फाइव प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी वन सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई मेयरमेंट ऑफ बी सी की अब हमें मेयरमेंट ऑफ बी सी चाहिए तो स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स मैयरमेंट बी सी होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो मयरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू तो आ जाएगी फोर पॉइंट फाइव एट सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाएगा तो ये मेजरमेंट ऑफ बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करते हैं इन्हें ट्राइंगल ए बी सी मयरमेंट बी सी गिवन है 21 सेंटीमीटर मयरमेंट ए सी गिवन है 17 सेंटीमीटर मयरमेंट ए बी गिवन है 10 सेंटीमीटर मयर द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अपॉन बी सी अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में पहले ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो मयरमेंट्स गिवन है ए बी की टेन सेंटीमीटर बी सी की ट्वेंटी सेंटीमीटर और ए सी की सेवनटीन सेंटीमीटर अब हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ऑफ ए सी अपॉन बी सी तो ए सी की प्रोजेक्शन बी सी पे मेजरमेंट सी डी होगी तो मेजरमेंट ऑफ सी डी हमने फाइंड करनी है तो एक्यूट एंगल यहाँ पे एंगल सी पे है तो थ्योरम टू अप्लाई करेंगे बाय थ्योरम टू अक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड ए बी है तो मेजरमेंट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी स्क्वायर प्लस मैयरमेंट बी सी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स मैयरमेंट बी सी इंटू मैयरमेंट डी सी इसको इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास मयरमेंट ए बी गिवन है टेन सेंटीमीटर ये टेन सेंटीमीटर पुट कर देंगे इज इक्वल टू मयरमेंट ऑफ ए सी गिवन है हमें सेवनटीन सेंटीमीटर तो सेवनटीन का स्क्वायर आ गया प्लस मयरमेंट ऑफ बी सी भी गिवन है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर तो ये ट्वेंटी वन का स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू टाइम्स मयरमेंट बी सी इन मयरमेंट सी डी अब टेन का स्क्वायर हंड्रेड के इक्वल होता है सेवनटीन का स्क्वायर टू एटी नाइन प्लस ट्वेंटी वन का स्क्वायर फोर फोर्टी वन माइनस टू टाइम्स मेयरमेंट ऑफ बी सी हमारे पास मौजूद है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर इसकी जगह ट्वेंटी वन आ जाएगा इनटू मईरमेंट ऑफ सी डी हमने फाइंड करना है अब टू एटी नाइन प्लस फोर फोर्टी वन इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सेवन थर्टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी वन करें तो रिजल्ट फोर्टी टू आ जाएगा इनटू मेजरमेंट ऑफ सी डी लेफ्ट साइड पे हमारे पास हंड्रेड है सेवन थर्टी लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू इंटू मेयरमेंट ऑफ सी डी अब वन हंड्रेड में से सेवन थर्टी माइनस करें तो रिजल्ट माइनस सिक्स थर्टी आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू इनटू टू ऑफ सी डी माइनस इक्वेशन की बोथ साइड्स पे है माइनस कैंसल हो जाएगा अब 42 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 630 डिवाइडेड बाय 42 इज इक्वल टू मईरमेंट ऑफ सी डी अब 630 को 42 पे डिवाइड कर देंगे तो मैयरमेंट ऑफ सी डी वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर आ गई तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने मेजरमेंट ऑफ सी डी ही फाइंड करनी थी क्योंकि मेजरमेंट ऑफ सी डी जो था वो ही लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सी अपॉन बी सी थी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज एट के फर्स्ट फाइव क्वेश्चन सॉल्व किए जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर सॉल्व नहीं कराए वो आप एज़ होमवर्क ख़ुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़